अस्सलाम वालेकुम। आज की बकवास में दानिश फिर आ गया है जी एक और बकवास लेके। बकवास बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग जो है वो इस चुंगल में फंसते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे बात करके देखते हैं। समझ तो किसी ने नहीं आनी क्योंकि हम जो हैं वो कुत्ते की दुम है। पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता है तो अच्छा लगे आपको, बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हम लोग हैं वही। हम लोग डंडे के ज़ोर पे पैदा हुए, हम डंडे के ज़ोर पे चलने वाले, हम डंडे के ज़ोर पे अपनी हुकूमतें डिसाइड करने वाले, और फिर जब जर्नेल आ जाते हैं या मार्शल लॉ आ जाता है तो हम उसी पे चलते हैं सीधे, ताकि हमारी मईशत जो है वो कहीं भी चली जाए। खैर, ये टॉपिक नहीं है हमारा। आज हमारा टॉपिक है कि जी दूध डब्बे का अच्छा है या भैंस का। पुराने ज़माने में लोग जो है वो अपने बच्चों को भैंस का दूध ही पिलाते थे और उनका पेट कभी ख़राब नहीं होता था और भैंस का दूध सही आता था। अब लोगों ने सबसे पहले तो ये प्रोपेगेंडा डाला, बनाया गया कि जी जो दूध अच्छा है वो टेट्रा पैक है। एक दूध जो आपको खुलेआम मिल रहा है, जो आपकी आंखों के सामने है और आपको पता है कि ये दूध ही है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन वो दूध जो आपके सामने नहीं बनता, वो किस प्रोसेस से गुजर के उसके अंदर वो विटामिन, वो कैल्शियम, वो आयरन, अगर उसमें पता नहीं होता नहीं होता, अगर वो है या नहीं है ये आपको नहीं पता, वो चीज़ जो एक पैकिंग में 2 महीने 3 महीने या 4 महीने की एक्सपायरी पे होता है, वो चीज़ सही कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आती। सोचने की बात यह है कि ये जो FMCG कंपनीज़ हैं, जितनी भी ये हमारे ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो आपके कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ये आप इनके बारे में ज़रा थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि इनको हमें फ़ायदा पहुंचा के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इनको हाँ, ख़ुद बड़े फ़ायदे हैं। इनकी प्रोडक्ट का बिकना, ये अरबपति खरबपति लोग हैं, इसमें यहूदियत भी बहुत शामिल है, इसमें और इल्यूमिनाती भी बहुत शामिल है। वो सारी चीज़ें आपको पिलाई जाती हैं जो मुसलमानों को नहीं खानी पीनी चाहिए, लेकिन वो हिडन ट्रुथ होता है, वो हिडन होता है, वो इंग्रेडिएंट हिडन होती है, छुपी हुई होती है, आपको नहीं पता होता। और वो उसके ऊपर एक वर्ड लिख दिया जाता है जिससे हम चूतिया बन जाते हैं, वो है हलाल। वो हलाल है या नहीं, हम उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ ये बोलते हैं हमने तो हलाल देखा है, हम खा सकते हैं, हमारा दीन इतना ही है, वो अब उसकी मर्ज़ी। अबे भाई, सामने वाले को क्या है, उसने जन्नत में थोड़ी जाना है, उसने वो तो एक मतलब वो काफिर, वो नॉन मुस्लिम शख्स है, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो है वो हलाल लिखे या वो हराम लिखे, चाहे वो आपको खिंजीर खिला दे, चाहे वो आपको उसका तेल, उसके चर्बी से बना हुआ जो है वो कोई प्रोडक्ट खिला दे। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं आजकल। लेस के लिए बात आई, फिर उसके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी को दबाया गया। कैडबरी के ऊपर ये बात आई, फिर उस कंट्रोवर्सी को दबाया गया। नेस्ले, हमने आज तक हमें पता है कि नेस्ले का जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन नेस्ले का हर किस्म का दूध आ रहा है। बोन्स के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, उसका पानी जिंक वाला आता है, उसके पानी में जो है वो अभी एक और कोई नया पानी भी आया है, आई एम नॉट गेटिंग, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन वो इतने सारे वो नए किस्म के पानी बनाते हैं। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग अंदर तक इस चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उनको पता है कि नेस्ले कितना नुकसानदेह है। फिर हम अपनी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आते हैं, कोका कोला एंड पेप्सी, नाम ले रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो चलेगा नहीं चलेगा और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेज को ही ब्लॉक कर दिया जाए, बट लेट्स ट्राई दिस आउट। कोक और पेप्सी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गए, हमारे खाने का हिस्सा हो गए। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो हम जो है उसके साथ अगर ड्रिंक ना पिए तो वी फील इट इनकम्प्लीट। हमारे बच्चों को कितनी आदत हो गई इन चीज़ों की। आजकल जो मोटापा है उसके ऊपर अगर हम जाएँ तो वो मोटापा क्यों हो रहा है, ज़रा सोच तो लें। हम एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, हमारी जो है वो जिस्म में जो है बीमारियाँ ज़्यादा क्यों हैं, हमारे जिस्म में जो है वो तंदुरुस्ती, हमारे जिस्म तंदुरुस्त क्यों नहीं है। इन सारी बातों के पीछे बहुत बड़ी साइंस है सर। अगर आप और हम ये थोड़ा सा रिसर्च करें, मैं इतनी गहराई में नहीं जा सकता, मेरे वीडियो इतने लंबे नहीं होते, लेकिन ये ज़रूरी है बताना आपको कि डब्बे का दूध आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो नहीं है।
ये आप, हाँ आप ये करें, अगर वो कहते हैं कि जो खुला दूध है वो केमिकल से बनाया जा रहा है तो ठीक है, मेक इट मेक श्योर, थोड़ी सी मेहनत कर लें यार, बाड़े चले जाएं। अगर बाड़ा नहीं समझ आता तो अपना एक कोई 12-15 साल पुराने वाला दूध वाला उठा लें यार, वो आपको सही चीज़ दे देगा। ट्राई तो करके देखें, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो जाए। ये अपना पाउडर के दूध बच्चों को, 6-7 महीने के बच्चों को जो है वो रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर्स, उनके बाप को भी पता है कि डॉक्टर्स को क्या है, उनको तो कमीशन मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कि यार आपने ये इतने आपने अगर बेच दिया तो ये गाड़ी आपकी, आपने इतना बेच दिया तो आपकी क्लिनिक पे UPS लग जाएगा, आपके घर में जनरेटर आ जाएगा, आपके लिए सर मोबाइल फ़ोन रेडी है, सर ये लें आप, तो वो क्यों नहीं लिखेगा आपके लिए, वो आपका सगा थोड़ी है भाई। आपके बच्चे वो दूध पी के, पाउडर का दूध पी के जो है वो सेहतमंद, मोटे ताज़े हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, तो गाल गोलगप्पे, लेकिन वो कितने एक्टिव होते हैं, कभी ये चीज़ नोट की है आप लोगों ने? नहीं की होगी। करें, ये चीज़ों को नोट करें, खुदारा नोट करें, हम लोग बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमें वैसे ही कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो ज़्यादा सस्ती भी हो सकती हैं। डब्बे का दूध 135 रुपए किलो है और सादा दूध 110 रुपए किलो है इस वक्त, अभी भी 20 रुपए 15 रुपए बढ़े हैं तो 110 रुपए हुआ है। तो आप अच्छा दूध वाला देखें, आप कोई ऐसा दूध वाला देखें, कोई बाड़ा देख लें जो आप उससे बात करके देख लें, भाई तू हमें महीने का इतना दूध देगा, तेरी इतना, वो सब कर देते हैं। मैं मेरे घर में जो है वो खुला दूध इस्तेमाल होता है, मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे तंदुरुस्त हैं, वो मोटे नहीं हैं, वो एक्टिव हैं, वो खेलते हैं, वो लड़ाइयाँ करते हैं, वो शरारतें करते हैं, वो मस्तियाँ करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो एक्टिव हैं, वो तंदुरुस्त हैं, क्योंकि उनको मैं इन FMCG ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल आपका न्यूट्रिशन है, इससे मैं दूर रखता हूँ। मैं उनको मक्खन आज भी जो है वो देसी मक्खन खिलाता हूँ, ब्लू बैंड जो कि वन प्रोसेस बिफोर प्लास्टिक है, जो कि कभी ख़राब नहीं होता, मेरे घर में पिछले 5 सालों से नहीं आया। मैं ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ इसलिए इतनी बकवास कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये छोटी छोटी बातें, नेस्ले पेप्सी कोक ज़्यादा नहीं जाता, पेप्सी कोक ये यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स, इनमें जो खाने की चीज़ें हैं एटलीस्ट पहले यहाँ से कंट्रोल करने की शुरू करें, फिर नेस्ले के ये जो लैक्टोजन और ये जो सारे दूसरे दूध वाले पाउडर्स आते हैं, पाउडर वाले दूध आते हैं, इनसे बचें। ये सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करें, फ़र्क देखें इंशाल्लाह, और अल्लाह पे यकीन रखें यार, अल्लाह की तरफ से जो बनाई हुई चीज़ है वो आपको बेहतरीन मिली हुई है, उसमें जितनी भी मिलावट करते हैं अगर आपका यकीन पूरा है तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आई होप कि आप लोगों को मेरी शायद 10%, 2%, 1%, 0.0001% मेरी बात अगर समझ आती है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा अपनी बात में, और बस इसी तरह आगे आपको और बकवासें सुनाता रहूंगा। हाय, अच्छी बाइक थी तो ये बकवासें सुनाता रहूंगा, और अगर आपको मेरी बकवास समझ आती है या अगर आपको मेरी बकवास नहीं भी समझ आती है, दोनों सूरतों में आपको लाइक करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरा पेज लेमन फिल्म स्टूडियोज़ के नाम से, और ज़रूर देखिए इसको, और भी वीडियोस हैं इस पर, सोशल टॉपिक पे बात करेंगे, आपके पास कोई टॉपिक है आप हमें बताइए। वीडियो के नीचे आई होप मेरे डिज़ाइनर ने अब तक बना दी हो तो वो नीचे लिखा हुआ होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए, और अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तो ज़रूर बनाइए, हम अपने पेज पे ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी वाहियात होनी चाहिए, बहुत सीधी सीधी वीडियोज़ हम लोग अपलोड नहीं करते। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।